आज पलकल में खास बातचीत में मेरे साथ वार्ड नंबर 5 के नगर पार्षद सुमन शर्मा जी जुड़े हैं। आज हम इनसे चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैडम नमस्कार और मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैडम, जैसे कि आप वार्ड नंबर 5 के नगर पार्षद हैं, हम ज्यादातर देखें तो महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, लेकिन जो उनका कार्य है वो उनके पति है वो संभालते हैं, लेकिन आप कर रहे हैं कार्य, फील्ड आप कर रहे हैं, तो आपको किस तरह का एक्सपीरियंस और किस तरह का महसूस करते हैं? देखिए, आपकी बात ठीक है कि पहले ऐसा होता था कि महिलाएं जब इस राजनीति क्षेत्र में आती थी तो कहीं ना कहीं ऐसे होता था कि वो अनपढ़ होती थी और जिस वजह से वो सारा जो कार्यभार है जो उसको अच्छे से संभाल नहीं पाती थी, तो उनके जो पति हैं या उनके जो पुत्र हैं वो आगे आके काम करते थे। लेकिन पिछली बार जो है कि हरियाणा सरकार ने एक इतनी अच्छी पहल की थी कि जैसे कि जो हमारे गांव में जो पंचायत के जो इलेक्शन हैं या फिर हमारे जो नगर पालिका नगर परिषद के स्थानीय निकायों के पंचायती राज के लिए एक अच्छा शुरुआत की थी कि भी एक शिक्षा जो है वो एक निर्धारित की थी, कम से कम इतनी जो है सुशिक्षित महिलाएं इसमें आगे आएंगी। तो पढ़ी लिखी महिलाओं को तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, अब वो स्वयं जो है महिलाएं आगे आके ही फील्ड में काम करती हैं। और हम देखते भी हैं कि पहले तो ये होता था कि मीटिंग में भी उनके पुत्र या फिर पति आते थे, लेकिन आजकल जो है महिलाएं आगे आ रही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत है लेकिन इतना नहीं है पहले जितना, बहुत सुधार है काफी। जैसे कि पंचायत के चुनाव अब होने थे, अब लेकिन कोरोना महामारी के चलते बढ़ा दिए हैं, फरवरी मार्च की बात कही जा रही है चुनाव में, वही अब महिला आरक्षण 50% की बात चले, तो आप इसको कितने हद तक सही मानते हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये निर्णय आया है कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की जो ये बात कही है, ये जो फैसला है बहुत ही सराहनीय फैसला है। आगामी सत्र में इसको एक अध्यादेश के रूप में मंजूरी मिल जाएगी। और इसमें जो है मतलब अगर हम बात की करें कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी एक जो सोच है महिलाओं के प्रति, वो एक सम्मान की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से काफी सजग हैं और बहुत सोचते हैं वो महिलाओं के लिए कि भी उनको हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। तो उसके लिए जो ये फैसला जो उन्होंने लिया है, ये इससे पहले हमारे जो प्रदेश, कई ऐसे प्रदेश हैं जिसमें पहले से ही लागू हैं, जैसे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे कई स्टेट हैं जिसमें ऑलरेडी ये 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज में दिया गया है। और हमारे जब हरियाणा में भी ये शुरुआत होगी तो बहुत अच्छी शुरुआत होगी, इससे महिलाएं काफी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेंगी। और मेरा तो बल्कि ये है कि वे जो हमारे विधानसभा और लोकसभा में भी जो है ये 33% का जो आरक्षण वाला मुद्दा है वो जल्द से जल्द ये भी एक अध्यादेश के रूप में आए, ताकि जो महिलाएं हैं वो उसमें भी आगे बढ़े। और हाँ, जब ये 50% पंचायती राज में हो जाएगा तो उसमें से चुन के जो महिलाएं आगे बढ़ेगी तो वो निश्चित तौर पर विधानसभा और लोकसभा में भी आगे जरूर जाएंगी। तो किस तरह का लाभ मिलेगा मैडम इससे? लाभ यही रहेगा ना, अब जैसे मान लो जब तक जैसे वो 33% वाला जो लोकसभा विधानसभा का नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जब वो निचले स्तर से जब कोई शुरुआत होती है चीज की, तो हमारे जो पंचायती राज से जो महिलाएं चुन के आगे जाएंगी तो निश्चित तौर पर आगे तो उनको जाना ही है, जब इस फील्ड में अगर वो अपने कदम बढ़ाएंगी तो आगे वो आगे जो है क्या बोलते राजनीति और लोकसभा और जो विधानसभा है, आगे जो बड़ी पंचायत हमारे जो देश की जिसे हम कहते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी और महिलाओं में एक आत्मविश्वास जो है उसमें और ज्यादा उसमें आत्मविश्वास आएगा कि भाई महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और सब कुछ कर सकती हैं महिलाएं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि अभी बात चल रही है, चुनाव तक ये मंजूरी इस चीज को मिल जाएगी तो चुनावों में अलग लहर देखने को मिलेगी और चुनावों के बाद का जो परिणाम होगा उसमें भी एक अलग तरह की वो होगी, तो इसके ऊपर बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी ये जो है सितंबर में भी जैसे उपचुनाव हमारे बड़ौदा के जो होने वाले थे, तो ये कोरोना महामारी के कारण अभी चुनाव आयोग ने कल ही आदेश जारी किए कि सितंबर तक कोई उपचुनाव नहीं होगा लोकसभा विधानसभा के। तो इसी तरह अब जो पंचायत के जो इलेक्शन होने थे वो भी कहीं ना कहीं इसी की वजह से डिले करके अब 2021 में आगामी जो चुनाव होंगे उसमें अगर ये वाला जो हमारा जो 50% वाला है महिलाओं को जब आरक्षण मिल जाएगा तो उसमें एक अलग ही लहर होगी, महिलाएं होंगी 50%, तो मैं एक महिला होने के नाते इसका सुस्वागत करती हूँ और बहुत खुशी है सभी महिलाओं में इसके लिए।
और महिलाएं मतलब आगे आएंगी तो इससे ज्यादा एक महिला के लिए खुशी की बात हुई। जैसे कि लोकसभा और विधानसभा में काफी लंबे समय से 33% की मांग की जा रही है कि उनको मिले, लेकिन अब पंचायती चुनाव की बात आ गई है, पंचायती में ये फैसला जल्दी लिया जा रहा है जबकि वो फैसला पहले लेना चाहिए, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये काफी समय से है कि भाई जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की अभी तो वो हमारे बीच में नहीं है श्रीमती सुषमा स्वराज जी, बहुत अच्छी नेत्री रही हैं वो भाजपा की, और उन्होंने भी बहुत प्रयास किया इसको लेके कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मैं अब ये वो करूँगी अपनी तरफ से, अगर मैं करूँ तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो एक बहुत ही साफ छवि के और ईमानदार जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको आगे आगे और हमारे प्रदेश की तरफ से एक पहल करते हुए प्रधानमंत्री जी से इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए और जल्द ही इसको भी लागू करना चाहिए। धन्यवाद। तो आज से दोस्तों मेरे साथ खास बातचीत में नगर पार्षद 5 नंबर वार्ड के सुमन शर्मा जी, आज हमने इनसे चुनावों को लेकर चर्चा की, इन्होंने भी किस तरह से बताया कि जो 50% आरक्षण की बात चल रही है इसको लेकर एक अलग सी लहर है जो आने वाले समय है चुनावों का, उसमें भी एक नई खुशी दिखेगी लोगों के अंदर। तो इसी तरह हम आपको अगले चेहरे से भी रूबरू करवाते रहेंगे, देखते रहिए दोस्तों पल पल। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। देखिए आदिकाल से हमारा जो देश रहा है वो ऋषि मुनियों का देश रहा है और इस हमारे देश की परंपरा रही है कि शुरुआत से ही महिलाओं को एक उच्च स्थान माना गया है। जैसे कि अगर शादी विवाह की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं को प्रारंभ से ही अगर देखा जाए तो स्वयंवर की जो प्रथा थी वो आदिकाल से ही थी। तो इसी रीति और नीति को देखते हुए अगर हम बात करें हमारी भारतीय जनता पार्टी की तो वो भी महिलाओं के लिए जो ये 50% महिलाओं के आरक्षण की बात कही है ये उसी के ऊपर अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वैसे भी हमारे देश के लिए ये कहा गया है कि रमन्ते यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पर महिलाओं को की पूजा की जाती है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो 50% जो महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान और उनके विकास के लिए सजगता की रूपनीति को दर्शाता है।